बच्चे ध्यान दें। अध्याय 12.1 में कल आपको 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, आज आप देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन से। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, यक्ष को वाई से भाग देने पर, यक्ष को वाई से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसमें से 5 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर कहा है यक्ष को वाई में भाग देना है, यक्ष को वाई से भाग देना है, जो आपका यक्ष है उसमें आप वाई से भाग देंगे, उसके बाद जो भागफल आपके पास आएगा आप उसमें से 5 घटाएंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी उसने कहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये हो गया एक्स, अब इसमें आप वाई से भाग लगा दीजिए, ये हो गई संख्या आपकी, ये संख्या आपकी हो गई एक्स और इसमें हमने वाई से भाग लगा दिया तो आ गया वहाँ पर यक्स अपान वाई, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारे पास भागफल हो गया। अब इसमें से हम लोगों को 5 घटा देना है तो ये हो गया 5 को घटा दिए तो ये प्राप्त हुई, इसी संख्या को हम अपना आंसर बोलेंगे, तो यक्स अपान वाई माइनस 5 ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब 6वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिया है गौरी ने गणित में एक्स अंक प्राप्त किए, गौरी नाम की एक लड़की है जिसने गणित में यक्स अंक प्राप्त कर रखा है, तो गौरी ने गणित में एक्स अंक प्राप्त कर किए, सीमा ने उससे 6 अंक अधिक प्राप्त किए, सीमा को गणित में कितने अंक मिले बताना है आपको। तो देखिए गौरी का अंक कितना है, एक्स है, और सीमा ने उससे 6 अंक अधिक प्राप्त किए, अधिक का मतलब होता है योगफल, आपको यहाँ पर जोड़ना है, जोड़कर बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है गौरी के द्वारा सीमा को गणित में मिले अंक बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका हल करेंगे, हल लिखेंगे सीमा को गणित में मिले अंक बराबर। देखिए सीमा को गणित में मिले अंक बराबर, गौरी के अंक से इसे 6 अंक अधिक मिला है सीमा को, तो गौरी का अंक कितना है, एक्स है, तो गौरी के अंक को आप लिख दीजिए यहाँ पर एक्स। अब इसमें सीमा का अंक, ये तो गौरी का अंक हो गया, हमें सीमा का अंक निकालना है, सीमा का अंक जो है वो गौरी के अंक से 6 ज़्यादा है। मान लीजिए आपका टेस्ट होता है और आप उस टेस्ट में 6 नंबर पाते हो और आपका दोस्त उसी टेस्ट में आपसे 6 नंबर ज़्यादा पाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 12 नंबर पाया है जोड़ने पर। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे कि एक्स गौरी का नंबर हो गया और हमें सीमा का नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +6 और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो सीमा को गणित में मिले अंक बराबर x+6, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है वह संख्या बताइए जो y से 7 कम हो, हमें यहाँ पर एक संख्या बताना है जो कि y से 7 कम होनी चाहिए, अगर y जितना है उससे वो 7 कम होनी चाहिए दूसरी संख्या हमारे पास, तो यहाँ पर आप देखिए हमें वह संख्या ज्ञात करना है, हमें वह संख्या तो पता नहीं उसी को तो ज्ञात करना है, तो संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें संख्या ज्ञात करना है उसी संख्या के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से इसका हल लिखा है, हमें संख्या लिखना है, हमें यह संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या ज्ञात करनी है, उसने कहा है वाई से 7 कम हो, वाई से 7 कम हो, आपको बताए कम का मतलब घटाना होता है, कम का मतलब घटाना है, तो इसलिए यहाँ से y में से आप 7 को घटाएंगे, y में से 7 को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो हमारे यहाँ पर इसकी संख्या बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये संख्या जो हम ज्ञात कर रहे हैं यही संख्या हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास y है तो y में से उसने कहा है 7 कम हो तो हमने 7 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास जो संख्या आई
वाई माइनस एक्स यही वह संख्या है, यही वह संख्या है जो वाई माइनस सात क्या होगी, कम होगी, ये वही संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर दिया गया है, जेड के एक बटे तीन में से, जेड के एक बटे तीन में से, जेड के एक बटे तीन में से पाँच को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जेड को एक बटे तीन में से घटाने पर, में से पाँच को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जेड का एक बटे तीन का क्या मतलब है, एक बटे तीन का मतलब ये है कि आप एक बटे तीन से गुणा कर दीजिए जेड में। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हल लिखकर, यहाँ पर हमारे पास जेड है तो जेड का एक बटे तीन का मतलब है एक बटे तीन से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बटे तीन से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड गुणते एक बटे तीन। अब इसका मतलब ये हो जाएगा जेड इसमें गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसके हर में एक माना जाएगा, ये इसका हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, और आपको पता है कि अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। और इसने फिर उसके बाद बोल रखा कि में से, इसमें से जेड के एक बटे तीन में से हमें पाँच को घटाना है, तो पहले आप इसका गुणा करा दीजिए, जेड का गुणा एक में कराएंगे तो जेड हो जाएगा और बटे में तीन आ गया। तो यहाँ पर देखिए पहले जेड था, अब यहाँ पर जेड बटे तीन आ गया, यानी कि जेड का एक बटे तीन गुना हो गया, एक बटे तीन हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया जेड बटे तीन माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि घटाने पर, माइनस इसलिए लिख रहे हैं, उसने कहा है कि घटाने पर हमारे पास आना चाहिए पाँच, मतलब पाँच को घटाना है, तो यहाँ पर हमने पाँच को घटा दिया तो हमारे पास ये सवाल, ये संख्या प्राप्त हो गई जेड बटे तीन माइनस पाँच, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए।